जय श्री राम। और भाई सामने का मौसम चेक करो एक बार। सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, होपली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मजे में। तो आज जा रहे हैं भाई जिम की पार्टी लेने, क्योंकि हमारी जिम को हो चुका है 1 ईयर। तो भाई मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू अनुज भाई। अभी अनुज भाई अभी ज्वाइन करेंगे। मैं आगे से मेरे को लेट हो चुकी थी भाई आज, वॉइस वजह से, क्योंकि नाश्ता नहीं करा था मैंने, दैट्स व्हाई मेरे को लेट हो गई। और सीन तो भाई ये भी है ना भयंकर, हुआ क्या नाश्ता बनानी था तो इस वजह से मेरे को लेट होगी। मैं तो जल्दी रेडी हो गया था। भैया जा चुके हैं आगे और ये जा रहे हैं अंकु भी, जा रहे हैं भाई मसूरी साइड, इस वजह से क्योंकि वहीं पे पार्टी वार्टी करेंगे। और भाई अभी बारिश का मौसम हो रहा है, चेक करो भाई ऊपर। बस यार बीच में बारिश ना मिले, मसूरी जाके मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। और भाई अभी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल भी डलवाना है अपनी फायर फ्लाई में। यही सब डलवा लेते हैं बारी में। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी तेरी भैंस क्या, निकल जा निकल जा। हो गया काम, बोला था बारिश आएगी। वे यार हो चुकी है पर बारिश देख रहे हैं, एंगर बुरा हाल हो गया भाई। तो रुक चुके हैं भाई बारिश और निकल चुके हैं भाई दोबारा से। बारिश की वजह से एक चीज सही होगी भाई, चाय पीने में ऊपर बैठ के, आहा माउंटेन्स में बैठ के चाय पीने का मजा ही कुछ हो रहा है भाई, ये चीज बढ़िया होगी। बट बारिश ना हो अब दोबारा से ना आगे की साइड, यहाँ तो होगी भाई जितनी उन्नती, बस आगे की साइड ना हो यार, फिर दिक्कत हो जाएगी अपने को ना। अभी तो रेनकोट ले ली फिलहाल के लिए हमने, मगर नीचे तो भाई ठंडी तो ठंडी है, ठंडी तो लगती ही है। यहाँ पे भाभी जी देखती हुई, हेलो अंकल नमस्ते। बड़ा हरामी हो बेटा। अभी पीछे हो रही थी बारिश और यहाँ पर हो चुकी है भाई, दीदी देखती हुई भाई यहाँ पे, और यहाँ पर हो रही है भाई धूप कड़का रही है। चेक करो भाई मौसम बिल्कुल साफ है, और ऊपर चेक करो भाई वहाँ जाएंगे हम तो वहाँ मौसम हो रहा है एकदम रापचिक, हर हर महादेव। और भाई आप लोगों को याद होगा जब हम केदारनाथ जब जा रहे थे, उससे पहले भी मैं यहाँ से हो गए तब गया था केदारनाथ, 2 दिन बाद मैं ये वाला व्लॉग बना रहा हूँ, मतलब केदारनाथ से आगे 2 दिन बाद, और आज दोबारा से भाई यहाँ। और बाकी मेरे को पता है भाई अभी ट्रैफिक मिलने वाला है, बस ज्यादा नहीं मिला यार, क्योंकि टाइम टू टाइम घर भी जाना है। पहुंच चुके हैं मैगी पॉइंट पे और मैं यहाँ का व्यू चेक कराता हूँ आप लोगों को। ये चेक करो भाई व्यू बड़ा प्यारा हो रहा है भाई, थोड़ी देर में आने वाली है बारिश, आज पूरा बारिश का मौसम हो रहा था भाई, मगर कसम से यार व्यू बड़ा प्यारा है, ये चेक करो। और भाई मैं ना कुछ मेन मेन चीज ही दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ना आईफोन में स्टोरेज नहीं है और ना गोप्रो में स्टोरेज है, वो इस वजह से क्योंकि भाई केदारनाथ में टोटली गोप्रो भी और आईफोन भी फुल हो चुका है, तो इस वजह से। भाई अभी आए थोड़े ऊपर और भाई व्यू चेक करो भाई, ये चेक करो भाई, मैं बोल रहा था ना आप लोगों को क्योंकि इस टाइम पे ना बारिश का टाइम है तो भाई व्यू देखने में मिल जाता है ऊपर, और मैं यही चाहता ऐसे ही कुछ व्यू दिखे और दिख गया फाइनली भाई। एक बात है मसूरी में कब मौसम चेंज हो जाए, कब हेवन बन जाए, कब बेकार बन जाए कुछ नहीं पता, वैसे बेकार तो यहाँ बनता नहीं है। गर्मी में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि ट्रैफिक हो जाता ना, फिर गर्मी लगती है बहुत ज्यादा। हमेशा हम बादलों के नीचे होते थे, आज भाई बादलों के ऊपर, ये चेक कर रहे भाई ये पूरे बादल आ रहे भाई रोड पे, और ये चेक करो भाई क्या प्यारा सा लग रहा है भाई। और ये खड़ी अपनी फायर फ्लाई, एक बार दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को आगे से, ये चेक करो भाई इतने प्यारे मौसम में क्या सेक्सी लग रही है अपनी फायर फ्लाई। अभी जब मौसम साफ हो जाए ना तब तो और प्यारा लगेगा। ये चेक करो भाई आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, कैमरे में थोड़ा दिख पा रहा है बट सामने से भाई कुछ नहीं दिख रहा। ओ भाई यहाँ पर निकल चुका है हमको आगे, और भाई मैं रेनकोट मांगता रह गया भाई उससे, मेरे को GoPro भी उसके बैग में रखना था, खराब ना हो जाए यार ये। भाई पहुंच चुका है घंटा घर, और व्यू जो दिखाना एकदम क्लासिक, और अब दोबारा से धूप निकल चुकी है। अब बाकी अब प्लान है भाई चाप खाने का, तो चाप खाने चलते हैं भाई, फ्री का छोड़ना नहीं भाई, सब लूट लो सब लूट लो। तो ऊपर से खाते खाते यार हम व्यू के मजे लेते हुए, तो अभी बस चाप बचा है चाप खाने, भाई बड़े टेस्टी बनाते भाई चाप। तो भाई यहाँ पे खा लिया चाप वगैरह, गिरने से बच गया भाई यहाँ पे नदी में। बाकी अब निकलते हैं घर भाई, रात हो चुकी है भाई, व्यू चेक करो इतना प्यारा सा लग रहा है। आज कुछ भी बोलो भाई बारिश की वजह से व्यू इतने प्यारे प्यारे दिखे ना, क्या ही बोलूं मैं। तो जस्ट यार अभी पूछा मैं घर और भाई सब सो चुके हैं, इस वजह से मैं आराम से उठाऊँ थोड़ा, और भाई आपको ना आने वाले ब्लॉग के अपडेट भी बताता हूँ पहले अभी, मगर एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, ये वाला जो ब्लॉग है बहुत छोटा बना, इसके लिए सॉरी बोलूंगा आप लोगों को, और आप लोगों को थोड़ा मजा भी ना आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, इस वजह से क्योंकि जो एक तो भाई ये इशू हुआ मेरे को आईफोन और GoPro था फुल, क्योंकि केदारनाथ सीरीज में आईफोन का भी और GoPro का भी, इस वजह से तो मेरे को प्रॉब्लम हो ही रही थी। और जो जो मैंने रिकॉर्ड करा था ना मेन मेन वहाँ पे मसूरी में, पता नहीं क्या हुआ पानी घुसने की वजह से ना
माइक इशू हो गया, उसमें ना आवाज ही नहीं आ रही है क्योंकि माइक में पानी घुस चुका था। बट ये है कि इस वाले ब्लॉग में मैं आपको एक अपडेट बता देता हूँ। अपडेट भाई ये है आने वाले ब्लॉग्स की, अभी हमारी केदारनाथ सीरीज खत्म हो चुकी है, अभी हम प्लान कर रहे हैं कहीं और का भी, तो ये आने वाले ब्लॉग्स की अपडेट है। तो धीरे धीरे आपको ब्लॉग में पता चलेगा कहाँ जाने वाले हैं, क्या सीन है, जाने वाले हैं हम कहीं, तो आप लोगों को जल्दी पता चलेगा। जो भी फायरफ्लाई है ना उसकी भी आप लोगों को अपडेट मिलेगी, उसके लिए ना एक बैड न्यूज है, वो आप लोगों को आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगी। तो देखना भाई आने वाले ब्लॉग्स में। बाकी इस ब्लॉग में कुछ ऐसा जो आपने देखा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो गाइस सब्सक्राइब किए जरूर कर देना। बाकी दिस फॉर द ब्लॉग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।